इसी काम में अगर लग जाए तो कितना शराबबंदी सफल हुआ है, मुकदमा लिखने में थाने के लोग हैरान है, उनको मुकदमा के जो केस डायरी है उसे तैयार करने में हैरान है, यहां तक कि कोर्ट जाने, जो दारू में पकड़े गए लोग हैं उनके बेल को रुकवाने, कोर्ट के द्वारा मांग किए जाने पर समस्त चिट्ठियां पहुंचाने, तथा साथ ही साथ बड़े बड़े राजनेताओं के फोन उठाने, ये भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा बोझिल काम है। आप तो कह दे रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह प्रतिबंध को लागू कर दीजिए, तो आपको लगता है, आपको लगता है कि ये क्या संभव है? नेक्स्ट, जो छुपकर दारू बेचने से अधिक मुनाफा हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, मेरी अपनी विचार है, आप भी सही कह रहे हैं कि हल्ला गोला खून करावा होता था, ओमे कमी आई है कि नहीं आई है? जी एक ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी कमी आई है, मैं ये मानता हूं, लेकिन खून खराबा में कमी केवल दारू के कारण नहीं आई है, ये विकसित समाज हो रहा है इससे थोड़ी कमी आई है, और साथ ही साथ लोग पहले से हमेशा ही कंसस होते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है, लेकिन पियक्करों में कमी नहीं आई है। आए दिन तो हम लोग फेस करते हैं, जहां देखिए वहीं पियक्कर मिल जाते हैं, कई बार उनसे निपटना मुश्किल हो जाता है, तो हम आएंगे आपके विचारों पर भी आएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और इसमें है कि छुप कर दारू बेचने से अधिक मुनाफा हो रहा है, छुप के दारू बेचने से अधिक मुनाफा हो रहा है, और हमने तो यहां तक देखा है कि कुछ नौजुवक भी इस दारू के बेचने में शामिल हो रहे हैं, वे आए दिन अपने पैंट के पॉकेट में, अपने कोट के पैकेट में लेकर घूम रहे हैं कि क्या दारू चाहिए, वो इशारे में बात करते हैं, और दिन में 400, 500, 600 रुपया तक कमा ले रहे हैं। पहले 10-20 गांव पर एक शराब की दुकानें थी, लेकिन अब घर घर में, घर घर पहुंचाने वाले ऐसे मिल गए हैं कि आपको चाहिए तो होम डिलीवरी की व्यवस्था है। हां, आपने कहा कि बेचने वाले से पुलिस मिली है, देखिए पुलिस पर कितनी जवाबदेहिता डाली जाए, हम पुलिस से अगर ये कह दें, एक सवाल आया है तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अगर ये कहा जाए कि पुलिस के लोग इस ठंड को भगा दें, पुलिस के लोग कोरोना को भगा दें, पुलिस के लोग जो है वो गर्मी नहीं आने दें, पुलिस के लोग जो है सड़क साफ करें, क्या क्या पुलिस से करवाएंगे आप? पहले तो जितने अपराध थे उन्हीं पर नियंत्रण में पुलिस परेशान थी, हम पुलिस में संख्या बढ़ाए कहां है, उन्हीं पुलिस पर अगर बहुत ज्यादा वर्क लोड डाल देंगे तो केवल पुलिस के मत्थे ये ठिकरा फोड़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, हम आएंगे उन विचारों पर भी। तो ध्यान रखेंगे कि शराबियों की संख्या पहले से कम नहीं हुई है, और अगर हुई है तो इस शराबबंदी से राज्य सरकार को, समाज को, प्रशासन को, जनता को कितना लाभ हुआ, इसका क्या सर्वे कराया गया है कि कितने आपके अपराध रुके हैं, कितने ज्यादा लोग शराबियों की संख्या घटी है, कितने ज्यादा थाना और पुलिस को आराम मिला है, समाज को कितना आराम मिला है? अगर इस पर भी कुछ राज्य सरकार रिपोर्ट जारी करती तो हम मानते कि शराबबंदी से मुनाफा हुआ है। हम तो देखते हैं आए दिन कि इस प्रतिबंध को लगाने से सुलेशन सूंघने वालों की संख्या बढ़ गई है, गोंद सूंघ रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग पीने की दर बढ़ी है, अब तो हम ये देख रहे हैं कि सीसी में पेट्रोल लेकर कुछ घूम रहे हैं, आगे कपड़ा बांधे वो भी सूंघ रहे हैं, चरस की मात्रा और सेवन करने वालों की संख्या बढ़ी है, हीरोइन और कोकीन देखिए गांव गांव गली गली तक पहुंचने लगा है। तो इस तरीके से इसमें भले ही शराबबंदी से आपको लग रहा है कि सामने जो मैखाना था
अब मैखाना छुप के चल रहा है, लेकिन दूसरे नासा के जो क्षेत्र थे उसमें भी वृद्धि हुई है। ध्यान रखना चाहिए, हम राज्य सरकार की शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस इतना कहेंगे कि हमारी आबादी जो थी 2011 में वह 10 करोड़ 40 लाख 99,452 थी। 10 करोड़ 40 लाख 99,452 थी। और वर्तमान में 2021 का भी रिपोर्ट आ चुका है, भले ही जनगणना नहीं की गई है लेकिन चुनाव आयोग ने एक अपना एंट्रीम रिपोर्ट दिया है जिसमें बिहार की आबादी 14,91,41,337 है। 14,91,41,337। क्या एक आदमी इतनी बड़ी आबादी पर अपना निर्णय थोपे अच्छी बात है? नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम हमारे आबादी पर एक व्यक्ति का जो निर्णय थोपा जा रहा है, इसके लिए जो इतनी बड़ी आबादी है, और ये मैखाना शराबबंदी, आज से शराब नहीं चल रहा है, ध्यान रखेंगे, ऋग वेद के नवम मंडल में भी सोमपान की चर्चा है। ऋग वेद के नवम मंडल में ही सोमपान की चर्चा है, भले ही आज के मदिरे की तरह वह नहीं था, लेकिन आज के मदिरे की तरह नहीं था लेकिन लोगों को कुछ ऊर्जा देता था, कुछ सकुन देता था, कुछ ताकत देता था। और आश्चर्य करेंगे कि मौर्य प्रशासन में भी शराब के उत्पादन की चर्चा है, धनानंद के समय में भी शराब के उत्पादन की चर्चा है, तो कोई यह नया व्यसन भारत का नहीं है। अब इसे एकाएक 1 अप्रैल 2016 से इसके उत्पादन पर, बिक्री पर, सेवन पर, हर प्रकार पर रोक लगा देना, ये क्या है? ये क्या वैज्ञानिक निर्णय है? इसके लिए मैं छोटी सी राय दे रहा हूं कि शराबबंदी हो लेकिन फीडबैक पॉलिसी भी लिया जाए कि उस शराबबंदी से बिहार को क्या लाभ हुआ, शराबबंदी कितनी सफल रही, जनता इससे लाभान्वित हुई या नहीं हुई, राज्य के राजस्व को कितना फायदा हुआ, और क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? इसके लिए मेरी राय है राज्य सरकार से कि एक कमिटी बननी चाहिए। 14,91,00,000 की आबादी पर यदि आप एक कोई कानून डालना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, तो मनमाने ढंग से आप किसी कानून को अगर लागू करते हैं तो प्रशासन की ये नियमावली नहीं है। इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए, उस कमेटी में अलग अलग चिकित्सा पद्धति के, ध्यान रखेंगे, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, अलग अलग चिकित्सा पद्धति के एक एक चिकित्सक होने चाहिए। दूसरी, समाज शास्त्र के विद्वान को भी उस कमेटी में रखना चाहिए जो नियंत्रण करने के तरीके बताएं और किस तरीके से नियंत्रित हो सकती है। तीसरा, मनोविज्ञान के साइकोलॉजिस्ट भी एक रखना होगा उस कमेटी में, ताकि वो बता सके कि मनुष्य के, मानव के मस्तिष्क पर शराबबंदी का क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं उल्टा तो प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव जनता पर क्या पड़ेगा और आर्थिक प्रभाव सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए भी एक विद्वान रखा जाए। ठीक इसी ढंग से मानवैज्ञानिक, जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, नृवैज्ञानिक कहते हैं, इनको भी इस कमेटी में रखा जाए। ध्यान से सुनेंगे, अलग अलग चिकित्सा पद्धति के एक एक डॉक्टर, ठीक इसी ढंग से समाज शास्त्र के विद्वान, मनोविज्ञान के विद्वान, नृविज्ञान के विद्वान, उद्योगपति भी
उद्योगपति भी एक एक क्षेत्र के रखे जाए कि उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक किसी ढंग से सामाजिक कर्जकर्ता के विशिष्ट समूह को भी इसमें डाला जाए, यानी उनको भी रखा जाए, और तब कुछ शराब के पूर्व विक्रेताओं को जो लाइसेंस लेकर पहले बेचा करते थे, या शराब बनाने वाली जो इकाइयां थी, और साथ ही कुछ शराबी को भी शामिल किया जाए। मेरा मानना है कि कुछ शराबी को भी शामिल किया जाए और तब इस कमेटी के रिपोर्ट पर मंथन हो, सरकार एक विशेष निर्णय ले। अब इस निर्णय के बाद एकाएक पूरे राज्य पर कोई बड़ा निर्णय नहीं थोपना चाहिए। मेरा विचार सुनिएगा, मैं जो विचार दे रहा हूं, हो सकता है विचार में मेरी कमी हो, लेकिन हमने लोक प्रशासन में पढ़ा है कि फीडबैक पॉलिसी देखना चाहिए और वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। शायद प्रशासन के लोग भूल गए हैं या लोक प्रशासन पढ़े बिना आ गए हैं। तो पहले किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले एक जिला पर प्रयोग करना चाहिए अथवा दो जिला पर इसका प्रयोग करना चाहिए कि शराबबंदी का क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या क्या शराबबंदी के दौरान समस्या आ रही है और किस तरीके से उसे निपटा जा सकता है। इससे एक दो वर्कशॉप जिले पर जब आप प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद जो उसकी उपलब्धियां होगी, जो उसमें तरह तरह के प्रयोग करने के दौरान समस्याएं आएगी, उन समस्याओं पर मंथन करें, विचार करें और अपने निर्णय को उस हिसाब से लागू करें, निश्चित ही शराबबंदी सफल होगा। लेकिन इस तरीके से बिना किसी कमेटी के, बिना किसी विचारधारा के, हम इतनी बड़ी आबादी पर अगर इस चीज को लागू कर देते हैं तो लोग और अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, छोटे बच्चे को हम कभी नहीं सिखाते कि फिल्म देखने जाना है, छोटे बच्चे को हम कभी नहीं सिखाते कि उनको खैनी गुटखा खाना है, उनको दारू शराब पीना है, मना करते हैं। लेकिन मना करते हैं वो काम बच्चे जरूर करते हैं। शराबबंदी जब तक नहीं था, पीने वालों की संख्या मेरे हिसाब से सीमित थी, और जब से ये बंदी धर पकड़ तब से इनकी संख्याओं में वृद्धि हमको लग रहा है हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार, हम सबों के विचार को, आप सबों के सलाह को जरूर माने, कमेटी बनाए। ये रहा हमारी थोड़ी सी विचारधारा शराबबंदी पर। अब रहा अखिलेंद्र बाबू जी, नमस्कार, अच्छा लग रहा है कि आप हैं, सहयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं। शिक्षा पर थोड़ा सा हम आते हैं आपको। देखिए, अभी मैं अपनी गांव की एक बात बताता हूं। मेरा गांव हुआ जीएस बंगरा, गौरी शंकर का बंगरा, जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, और वहां पर कुछ हम जाते हैं जब गांव में, तो अच्छे अच्छे परिवार के अच्छे अच्छे बच्चे, टावर नहीं मिलने के कारण वे पढ़ाई कर रहे हैं गाछी में जाकर, वे पढ़ाई कर रहे हैं नहर के पुलिया पर जाकर। आपने तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, कुछ कंपनियों के दबाव में आप शिक्षा को बंद कर रहे हैं कि ऑफलाइन नहीं चलेगा। आपका उद्देश्य क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार आप जम्मू कश्मीर के बच्चों से पूछिए। मेरे कुछ छात्र जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, मेरे कुछ छात्र नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है, उनका सुस्पष्टतः कहना है कि हम लोग 12-12 किलोमीटर इस ठंड के दिन में टावर के लिए जा रहे हैं और गद्दे पर बैठकर, खच्चर पर बैठकर, अभिनंदन जी तो पोस्टेड हैं ही उस क्षेत्र में, गद्दे पर बैठकर, खच्चर पर बैठकर इस ठंड के दिन में, ताकि टावर काम करे और फिर नेटवर्क काम करेगा तो वो ऑनलाइन पढ़ सके। ये क्या है ऑनलाइन पढ़ाई भाई। एक और चीज,
आप केवल शिक्षा नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन से आप एक लिसनर बना रहे हैं, श्रोता। मेरे विचार को थोड़ा सा आप सुनिएगा। लक्ष्मण यादव जी आप तो बहुत विद्वान है, अंकित सिंह जी आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि क्या लगता है कि मोबाइल से बच्चे पढ़ें तो क्या लिसनर नहीं होंगे? वो एक श्रोता होकर रह गए हैं। हम लोग भी पढ़ा करते थे, हम लोगों के गुरुजी विषय पर बच्चों के भी राय जानते थे, बच्चों से भी सहमति लिया करते थे। तुम्हारा क्या कहना है ये बताओ, सरस्वती पूजा आ रही है, तुम कैसा प्रसाद चाहते हो, तुम क्या मंत्र जानते हो, तुम कैसे इसकी व्यवस्था करोगे? हम लोग पूछे, गुरुजी हम लोगों के पढ़ाई में सरस्वती पूजा से क्या लेना देना? तो हमारे शिक्षक कहे कि सरस्वती पूजा तो स्कूल में एक बहाना है, कम पैसे में सारी व्यवस्था करने की एक कला सिखाते हैं। जब तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, तुम अपने माता पिता के अंतिम संस्कार करोगे, तुम अपने बेटा बेटी का विवाह करोगे, तो कम संसाधन में कैसे कैसे निपटोगे उससे, ये कला सरस्वती पूजा के माध्यम से सिखाते हैं। क्योंकि जिस संस्कृति में तुम रहते हो, उस संस्कृति में उस संस्कार को भूलना नहीं है। और इसलिए विद्यालय एक तुम्हें एक प्रशिक्षण देता है। क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण मिल सकता है? क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो है नेटवर्क उपलब्ध है? क्या नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को नेटवर्क उपलब्ध है? क्या 14,000, 20,000, 30,000 की मोबाइल सभी घरों में है? क्या दो चार बच्चे हैं तो उनके लिए दो चार मोबाइल सरकार व्यवस्था की है? दो चार मोबाइल की व्यवस्था भी अगर है तो क्या लगता है कि दो चार बच्चे साल भर के लिए रिचार्ज कर पाएंगे? सुबह में 9 बजे बबुआ का भी स्कूल शुरू हो जाता है ऑनलाइन, भैया का भी स्कूल शुरू हो जाता है ऑनलाइन, साथ ही साथ दीदी का भी ऑनलाइन शुरू हो जाता है, अब हमारा भी शुरू हो जाता है। हम घर में 4 आदमी है, 4 मोबाइल चाहिए, 4 नेटवर्क चाहिए, तो 4 मोबाइल, 4 का रिचार्ज कराना और एक ही टाइम में क्लास करना, आपको लगता है क्या कि क्या एक गरीब घर के बच्चे पढ़ पाएंगे? और भारत में अभी भी 20% आबादी ही ढंग से अमीर है, 80% लोग गरीब है। केवल गरीब कहलाने के भय से वो लोग गरीब नहीं कहलाते हैं, लेकिन हम लोग तो देखे हुए हैं, कनाइल बैगन भी होती है ना, खेत से आता है तो जितना कनाइल है उसको बेफेंक देते हैं और बाकी को सब्जी बनाकर खा जाते हैं। आलू भी यदि हाफ सरा हुआ है, ये मोदी जी क्या समझेंगे या हमारे IAS लोग क्या समझेगा गरीबी क्या होती है? तो सरे हुए आलू को भी हम लोग काट देते हैं और उस पार्ट को हटाकर अच्छे पार्ट का सब्जी बना के खा जाते हैं। तो जिस घर में सरे हुए आलू का सब्जी खाते हैं, जिस घर में कनाइल बैगन का सब्जी खा जाते हैं, जिस घर में मार में गिरे हुए भात को भी नमक से हम खाकर जी लेते हैं, वहां पर बताइए 15,000 की मोबाइल 4-4 कहां से आएगी? और दूसरा, सबका नेटवर्क कहां से हम रिचार्ज कराएंगे? तो एक बहुत बड़ी सरकार को गरीब करने की पॉलिसी है। और अगर आ भी गई एक मिनट के लिए, तो क्या लगता है कि शिक्षा के गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है? जो हम अपने ऑफलाइन बैठकर 10 बच्चे अपने विचार अभिव्यक्ति को रखते हैं, अपने मन के बात को शिक्षक से रखते हैं, जो हम एक दूसरे से राय रखते हैं, किसी मैटर पर डिस्कशन करते हैं, क्या वो डिस्कशन हम कर पाते हैं ऑनलाइन में? नहीं हो पाती। वहां तो कभी नेटवर्क फेल हो जाता है, दूसरी चीजें
आप देखे होंगे चाहे वो जूम ऐप हो चाहे वो कोई ऐप हो, उन ऐप पर देखेंगे कि लड़का और लड़की एक दूसरे की तलाश में भी रहते हैं। किसी दौरान हम कम्युनिकेशन करें, इसी दौरान हम कुछ मिसयूज करें, कुछ अच्छे बच्चे जो पढ़ने से रुचि नहीं है वो लोग ज्यादा जो है ऑनलाइन हो रहा है। अब बताइए कितने हमारे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन पढ़ाने में सफल है, कितने लोगों को ऐसी प्रशिक्षण दी है सरकार ने। तो एकाएक ये कोरोना ठीक है एक बीमारी है, लेकिन कोरोना केवल क्या शिक्षा पर ही लागू होता है? आप जितने मानक तय करना है, जितने मानक तय करना है मानक तय कीजिए, लेकिन शिक्षा को और शैक्षणिक संस्थान को बंद मत कीजिए। आप स्कूल से कहिए कि आप 10-10 बच्चे को ही पढ़ाओ, आप 5-5 बच्चे को ही पढ़ाओ, आप उनके बीच डिस्टेंस रखो, सैनिटाइजर की व्यवस्था करो, आप उन्हें सबको अपने तरफ से मास्क दो, आप उन बच्चे का जो इंजेक्शन है कोरोना की वैक्सीन है वो दिलवाना अनिवार्य करो, ये सारा कानून लाद दो सभी कोचिंग पर भी, सभी विद्यालय पर भी, सभी स्कूल पर भी, लेकिन बंद मत करो, बंद मत करो, क्योंकि बंद करने से हम लोग तो जी लेंगे, जी लिए अब, लेकिन जो बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, शिक्षक से करीब नहीं जुड़ेंगे, तो क्या दिल्ली के पैकेज लेकर पढ़ पाएंगे? हम देखे हैं कुछ बच्चे लोग पैकेज खरीद के पागलों की तरह मोबाइल में लगा हुआ है, उन्हें चक्कर आ जा रही है, बेहोश गिर जा रहे हैं बच्चे। माता पिता पूछते हैं क्या हो गया, सिर में दर्द है, खुद मुझे देखिए ना ललटेन लग गया, कारण क्या है? मोबाइल, इतनी ज्यादा मोबाइल से लाइट आ रही है, आसपास भी ऊपर बत्ती जलाना पड़ रहा है कि भाई चेहरा अच्छा बने और बच्चों तक अच्छी छवि जाए। हम लोग भी ललटेन लगाकर पढ़ाना शुरू कर दिए, कुछ दिन में आंखों के नीचे तो काला पड़ा है, अब लगता है मोटा मोटा गोल गोल फ्रेम का शीशा लगाना पड़ेगा। बच्चों से जो अपनत्व था, हृदय से लगाव थी, जो मस्तिष्क से लगाव था, अब धीरे धीरे पैसे तक ही केवल सीमित हो गया कि तुम भी पैकेज बनाओ, पैकेज बेचो और इस ढंग से शिक्षा को डुबो दो। सभी बच्चे आज के डेट में दुखी है। बस ये है कि बच्चों में एकता का अभाव है, शिक्षकों में एकता का अभाव है। अगर ये शिक्षक एक हो जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको भी सद्बुद्धि दे देंगे जो कानून बना रहे हैं। अब आप कहते हैं जो कानून बनाने वाले हैं वो क्या बड़ी विद्वान है? नहीं यार, सच बता रहा हूं मैं, वो किसी एक विषय को पढ़कर आईएएस बने हैं। आज के डेट में एक जीके जीएस पढ़ लीजिए और एक इतिहास रख लीजिए, आईएएस बन जाइएगा। एक विषय कोई भी इतिहास रख लीजिए, भूगोल रख लीजिए, संविधान रख लीजिए और जीके जीएस के 4 पेपर, आप आईएएस बन गए। और आप आईएएस बन गए तो आप ही कभी कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाएंगे, तो कभी होम सेक्रेटरी हो जाएंगे, तो कभी शिक्षा मानव संसाधन यानी शिक्षा मंत्रालय का सेक्रेटरी हो जाएंगे। तो ये विद्वता का मानक नहीं है। आप समझते हैं कि आप आईएएस हो गए तो जो मन करे कानून लागू कर देंगे आप? ये गलत है। आपकी शिक्षा सीमित है, आप न तो वैज्ञानिक है, न ही आप अच्छे डॉक्टर है, न ही आप अच्छे प्रोफेसर है, न ही आप अच्छे विद्वान है। हां इतना जरूर है कि 1.5-2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से 1000 लड़के आप चुनकर आईएएस बन गए। बस 2 लाख के प्रतियोगियों के बीच में बैठकर आना क्या भारत की सबसे बड़ी विद्वता को अर्जित कर लेना है? गलत बात है। इसलिए अगर आईएएस महोदय मेरे बातों को सुन रहे हैं तो अपने अंदर झांक कर देखिए आपको कितनी विषय की जानकारी है। एक विषय पूरे
पुराने आईएएस होंगे तो दो विषय की जानकारी होगी, बस बस इस दो विषय पर पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, विद्वान समझ बैठे हो। सिंपल ग्रेजुएट आईएएस बनते हैं, न वो पीजी होते हैं न पीएचडी होते हैं। अगर वो भी कानून बना रहे हैं तो वो अपने दंभ को कम करें, अपने दंभ को कम करें और देश को बचाए, नहीं तो आने वाले समय में सारी पीढ़ियां गाली देगी कि शिक्षा के लुटिया को डुबो दिया हमारे देश के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, देश के राजनेताओं ने। आने वाली पीढ़ियां, जैसे सत्ती प्रथा थी और आज गाली देते हैं हम उन सत्ती प्रथा को लागू करने वाले को, आज राजा राम मोहन राय को सैल्यूट करते हैं, वैसे ही आपको समाज गाली देगा आने वाले में, चाहे वो राजनेता हो चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो। शिक्षा को बंद मत करो और फ्रांस पर मत जाओ कि फ्रांस ने बंद कर दिया है या फिर अमेरिका ने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है। अनुसंधान संबंधी शिक्षा, प्रतियोगिता संबंधी शिक्षा, आपको बड़े पैमाने पर शिक्षा, ये नहीं बंद हो रहे हैं। अक्षर ज्ञान केवल चूंकि घर में भी मिल सकता है, छोटे बच्चे का अगर थोड़ा बंद भी हुआ ना तो उनके पापा मम्मी क ख ग घ सिखा देंगे, ABCD सिखा देंगे। लेकिन जिनके घर में बहुत ही व्यस्त लोग हैं, विद्वता होने के बावजूद भी, मेरे यहां भी बहुत बच्चे आते हैं जिनके पापा मम्मी हमसे ज्यादा अनुभवी है, हमारे हमारे जिंदगी भर के नॉलेज से ज्यादा ज्ञानी है उनके पापा मम्मी भैया, लेकिन उन लोगों के पास समय नहीं है कि अपने बेटा को समय दे सके, अपने बेटी को समय दे सके या अपने भाई को समय दे सके। अतः वे लोग भेज देते हैं मेरे पास, हमारे जैसे करोड़ों शिक्षक इस देश में है उनके पास, कि उनके पास यही काम है। अतः वे लोग सामूहिक रूप से हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे समझाएंगे और सामने फेस टू फेस उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उनके उनके अप्रोच का, उनके बोलने का तरीका, उनके उठने के तरीका का अध्ययन करेंगे, उनके सवाल के जवाब देने के तरीका का अध्ययन करेंगे और फिर उसमें परिवर्तन करेंगे। लेकिन आप तो केवल एक श्रोता बना दिए। अफसोस हो रहा है हमें और मुझे अपने इस काल में जन्म लेने पर घृणा आ रही है कि हम किस प्रशासनिक पदाधिकारियों के समय में जन्म लिए हैं, किस प्रशासनिक पदाधिकारियों के समय में जन्म लिए हैं जो छात्रों को, शिक्षक को एक वक्ता, शिक्षक को एक वक्ता बना दिए और छात्र को एक श्रोता बना दिए। मुझे बहुत दुख है, हम पर जितना प्रतिबंध लगाना हो, जितना प्रतिबंध स्कूल पर लगाना हो, कॉलेज पर लगाना हो लगाओ, जितना रूल्स एंड रेगुलेशन कानून बनाना है बनाओ, हम तैयार हैं मानने के लिए, लेकिन शिक्षा को बंद ना करो। कहो ना, हम एक मास्क या चार चार मास्क बच्चे को देते हैं, कहो ना सैनिटाइजर हाथ में क्या पैर में लगा देंगे हम बच्चों के, कहो ना हम सैनिटाइज पूरे रोज करेंगे अपने हॉल का, जो कोचिंग हॉल है हमारी, दो दो मशीन रखे हैं, चार चार मशीन रखे हैं हम, आप कहो ना उन बच्चे का वैक्सीनेशन हम यही बुलवा के अपने पैसे से करवा देते हैं, लेकिन उनके शिक्षा को मत मारो, उनके शिक्षा को मत मारो। मुझे बहुत दुख हो रही है कि ये दो चार दिन की बात नहीं है, ये तो तुम्हारी रिहर्सल चल रही है और तुम हर काम को बिना पूछे, बिना समझे, बिना कमिटी के, बिना विद्वानों के सहयोग के थोपते जा रहे हो, उचित नहीं है। इससे देश डूबेगा और आने वाली पीढ़ियां आपको नहीं छोड़ेगी। इतिहास के किस पन्नों में इस प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम लिखे जाएंगे ये भविष्य बताएगा। उससे डरो आप, उससे डरो, क्योंकि इंदिरा गांधी भी 1975 में जब इमरजेंसी लागू की थी तो उनको भी लगता था कि शायद मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज काला दिन कहा जाता है, इतिहास इस वर्ष को भी काला वर्ष कहेगा और ऐसे निर्णयकर्ताओं को भी क्या उपमा और उपमेय देगा ये समय तय करेगा।
इसलिए मैं राय दूंगा सुधर जाओ, सुधर जाओ और सुधर जाओ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बहुत सुने और अपने विचार भी बहुत दिए कि यूपी में चुनाव है इसलिए कोरोना फैल रहा है, चुनाव जो है खत्म, कोरोना खत्म, ये जो भी चीजें हैं आपके सभी विचार बढ़िया आ रहे हैं और आप सब लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। मुझे जो लगा, मेरे पास तो और भी बेहतरीन बेहतरीन अप्रोच है, लेकिन सरकारों से डर है, कुछ उनके ऐसे समर्थकों से डर है जो शायद सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हम उसी सरकार के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं जिस सरकार की इतिहास बेहतरीन लिखी जाए। हम नहीं चाहते कि उस सरकार की इतिहास केवल पोगपंथी होने के नाम से लिखा जाए, उसे ज्ञानी होने के नाम से लिखा जाए, उसे जो है अच्छी सरकार के नाम से लिखा जाए। जो सत्ता में जो रहते हैं उनकी थोड़ी सी शिकायत करना या दिशा देना यह उनकी बदनामी नहीं है, बल्कि एक सार्थक सहयोग होता है। कभी प्रशासन के, लोक प्रशासन के चैप्टर को पढ़कर देखें हम, इसलिए समर्थकों से उनके कहना है, बुरा मानते हैं वो, तो शायद वो ढंग से नहीं समझते हैं, हमारी इस वैज्ञानिकता को समझें और तब देश के लिए काम करें, देखिए क्या होता है। हम लोग तो क्या कहें आपको, एक दो बच्चे को बुला रहे हैं और उनको तरह तरह की बेहतरीन जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ जाने पर सरकार हो सकता है कि डंटा बरसाना शुरू कर दे, पता नहीं कहां से आदेश आया है कि कानून के उल्लंघन में उन्हें सुधरने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, डंटा बरसाया जा रहा है, ये उचित तरीका नहीं है। सुधरने का अवसर दीजिए उन्हें, उनके सुविधाओं का अवसर दीजिए और अच्छी शिक्षा का अवसर दीजिए। धन्यवाद, आप सब बड़ी सहयोग किए मुझे, लेकिन एक निवेदन है, हम लोग YouTube पर जो है पढ़ाना शुरू कर दिए हैं बिल्कुल मुफ्त, इसलिए आप सब उसे MK सर स्टडी पॉइंट से है, करीबन 110-11 वीडियो उस पर है, उसे शेयर करें, लाइक करें, और जिस विषय पर भी आपको वीडियो बेहतरीन बनाना हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप मेरे मैसेंजर पर लिख डालिए, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो अप टू डेट मिलेगा। हसगुल्ले की तरह तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो कर कुछ टीचर जरूर प्रतिष्ठा अर्जित कर लिए हैं ऐप पर आकर या फिर सोशल मीडिया पर आकर, उनकी भी कमी खलेगी, सॉरी उनकी भी कमी सामने आएगी। शिक्षा कभी भी जोकर तरीके से नहीं दिया जाता, बीच बीच में अपने व्यवहार से कुछ इंटरटेन किए जाते हैं, इंटरटेन के भी एक स्तर होते हैं कि कहां उनका इंटरटेनमेंट किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।